लागे दुल्हन की जैसी अवध नगरी, अवध नगरी जी अवध नगरी, अवध नगरी हाय अवध नगरी, देखो कैसी सजी है अवध नगरी, लागे दुल्हन की जैसी अवध नगरी, देखो कैसी सजी है अवध नगरी। जय श्री राम। और देखिए अवध नगरी बहुत खूबसूरत, बिल्कुल दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है अपने प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, और इस खास जगह से बहुत स्वागत करती हूं मैं आपके साथ शीरिन और मेरी सहयोगी दीपा बाफिला, क्योंकि अयोध्या में उत्सव है और उत्सव जिस तरीके से देखने को मिल रहा है हर तरफ, आप जब तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा में अब महज एक दिन का समय बाकी है और अब अंतिम दौर की जो तैयारियां हैं वो भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। दीपा, बिल्कुल, और अब इंतजार है कल की उस घड़ी की जब प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो जाएगी, पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया के प्राण प्रतिष्ठा की वो आगे बढ़ेगी। अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है, फूलों से हर एक हिस्से को सजाया गया है। इससे पहले अनुष्ठान की कुछ तस्वीरें हमारे पास है, वो जरा आपको दिखा दें। आज छठे दिन का अनुष्ठान चल रहा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, 10 वैदिक प्रक्रियाएं होंगी जिनको आज पूरा किया जाएगा, और साथ ही साथ जो पुराने मंदिर में भगवान राम विराजमान थे, जो टेंट में वो रह रहे थे, उनकी मूर्ति को भी आज नए परिसर में लाया जाएगा, नव निर्मित मंदिर परिसर में उसको लाया जाएगा और स्नान भी करवाया जाएगा, ऐसी जानकारी है। तो इंतजार है कल के दिन का जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और वेद ये सभी इस बात का वर्णन करते हैं कि जो कुछ भी उपक्रम। तो देखिए अनुष्ठान इस वक्त जारी है, तस्वीरें आपके सामने हैं और जो भी विधि विधान है वो तमाम निभाए जा रहे हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का छठा दिन है, 6 दिन से ये अनुष्ठान इसी तरीके से अनवरत जारी है। कल जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद इसका समापन होगा और इसी को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और आप देखिए अस्थाई मंदिर की मूर्ति आज नए मंदिर में रखी जाएगी, इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दें। आज अस्थाई मंदिर जो बनाया गया भगवान श्री राम का, जहां रामलला की मूर्ति अभी तक विराजमान है, उसे नए मंदिर में रखा जाएगा और आज रात 8 बजे नए मंदिर में रखी जानी है मूर्ति, जो जानकारी मिल रही है। इसी जगह पर नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इससे जुड़ा और क्या अपडेट हमारे पास है, क्या नई जानकारी और मिल रही है, सीधे हम रुक कर लेते हैं अभिषेक उपाध्याय का, सबसे पहले वो हमें बताएंगे। अभिषेक, देखिए एबीपी न्यूज ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि जो अस्थाई मंदिर में रखी हुई प्रभु रामलला की मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठा के पहले उसको रखा जाएगा गर्भगृह में, और वही खबर जो है उस पर मोहर लगी है जो मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि रात के 8 बजे का वो समय है जब श्री रामलला, जो रामलला विराजमान कहते हैं, जो अस्थाई मंदिर की मूर्ति है उसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, उसे उत्सव मूर्ति कहते हैं, और इस उत्सव मूर्ति को जो अचल विग्रह है प्रभु श्री राम का उसके ठीक सामने स्थापित किया जाएगा। एक जानकारी मैं और दे दूं कि भोग लगेगा, और भोग जो है वो दोनों ही रामलला विराजमान जो अस्थाई से आए हैं और जो रामलला की मूर्ति बनाई विग्रह बनाया गया है, उन दोनों को भोग एक साथ लगेगा, दोनों की अलग अलग थाल होंगी, और भोग का जो पूरा जो भोग का की जो परंपरा है वो शास्त्रीय परंपरा के मुताबिक निभाई जाएगी। तो ये बहुत ही अहम दिन है आज का, आज रामलला विराजमान और साथ में प्रभु श्री रामलला की जो नई नया विग्रह है आज गर्भगृह में दोनों ही होंगे, आज रात 8 बजे का टाइम तय किया गया है। जी, भूमिकाएं जो है वो बांट दी गई हैं, क्या क्या जिम्मेदारी किसकी रहेगी, और जो खास मेहमान जो विशिष्ट अतिथि अयोध्या में आ रहे हैं उन्हें लेकर भी तैयारी है। तैयारी है कि आरएसएस के स्वयंसेवक को लगाया गया है तमाम मेहमानों के साथ, हर मेहमान के साथ एक स्वयंसेवक होगा प्राण प्रतिष्ठा के लिए, ये आरएसएस की जो बड़ी तैयारी है। एयरपोर्ट से मेहमानों को किस तरीके से स्वयंसेवक लाएंगे, आज प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले का दिवस है और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी व्यवस्थाएं देखनी है, विशेष रूप से मंदिर के निर्माण कार्य में अंतिम जो दिन है वो इस प्रकार सुनिश्चित करना है कि सभी जो राष्ट्र को आश्वासन दिया गया था उसकी पूर्ति हो सके। 23 तारीख से एक नए उत्साह, एक नए
कमिटमेंट वचनबद्धता के साथ हम कार्य शुरुआत करेंगे हो कि 2024 में पूरा मंदिर निर्मित हो सके, मंदिर के साथ परकोटा निर्मित हो सके और 7 मंदिर जो बनने हैं जो हमारे सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे वह भी पूर्ण हो सके। ये पूरा कार्य हम लोगों को करना है, 23 जनवरी से इस कार्य में लग जाना है। ABP News आपको रखे आगे।